नमस्कार सभी भाई साहब, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी। और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं सलाहपुर के बाजार में। सलाहपुर के बाजार में एक से एक अच्छी भैंस आती है, भैंस और गाय दोनों ही आती है। अब कुछ भैंसों को दिखाएंगे, कुछ भैंसों को दिखाएंगे और उनकी जानकारी करेंगे। सभी भाई वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो के अंत में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एक से एक अच्छी भैंस आती है। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए, एक सामने दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी झोटी है। झोटी का साइज बहुत अच्छा ऊंचा लंबा साइज है और बिल्कुल छोटे सिंग वाली। देखेगा बच्चे का अहरवा कर रही है। झोटी का साइज बड़ा बेहतरीन वाला साइज है। जड़ तो जड़ में थोड़ा जोश कम है, जोश कम बना रही है, लेकिन बात साइज की करें तो बहुत बेहतरीन साइज है। अभी बातचीत करके पता लगेगा भाइयों का। ऊंचाई लंबाई बहुत ही ज़बरदस्त है। झोटी में जो है बस मैं जोश कम कहा था भाई, एक इनमें 3 किलो 4 किलो खींच का एडजस्ट था। देखेगा कि साइज है बहुत ही अच्छा है। अभी बातचीत करते हैं। आ जाओ भैया, ले आओ ले आओ। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? बरवाला के हो? ये जो भैंस है तुम्हारी, ये कौन से ब्याह की भैया? झोटी दूसरे ब्याह की। और कब भी आई? ये कल भी आई थी जी। कल भी आई थी। अच्छा, झोटी में थोड़ा जोश कम बन रहा। खींच निकाल रखा है इसका। अच्छा अच्छा, इसे खरीद के लाए हो तो मालिक कितने दूध की बताओ, कितने दूध की बताओ था भाई? 15-16 किलो दिया तो आपके तो और बढ़ावे की दूध। तो इसकी क्या कीमत रखी भैया? 1.45। तो ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? 5-4 हज़ार कम हो जाएंगे, मतलब कि 35 तक तो हो जाएंगे फिर। ऊपर दाम आ रहे हैं बाजार में तो फिर ऊपर कितने आ रहे हैं? फिर वही बता दो कितने आ रहे हैं। 40 की लास्ट है कीमत। और यू एक ही महिला लाए थे और भी लाए थे? वे बिकी तो उनमें कमा दिया मोटा नफा। हाँ, नफे की तो देख मुस्कान ही अलग होगा। अब तक आई दिया भाई मुस्कान से। चलो ठीक है भैया जी। देखिएगा भाई ने जो मोल करा है, मोल भी झोटी के हिसाब से सही करा है और अच्छी झोटी है, बहुत ही बेहतरीन वाली झोटी है। देखिएगा बाजार के अंदर इस तरह से भैंसों को पानी पिलाते हैं मुसक लगा के, ये पानी ले लेके आते हैं। देखिएगा इस तरह से पानी पिला देते हैं बाजार में। देखिएगा एक से एक अच्छी भैंस खड़ी है थोड़ी सी, और ये दिखा रहा हूँ ये भी भैंस कुछ मीडियम साइज में, थोड़ी जड़ वाली है। बाजार में सभी तरह की भैंस आती हैं। चलाओ थोड़ी सी फर्क चलाओ। देखिएगा कितने दूर दूर के व्यापारी आते हैं, इनको बताएंगे इनके भी कहाँ के हैं। और बहुत ही बढ़िया जड़ बना रही है भैंस, भैंस के जड़ थन से साफ सुथरी है। ले भैंस का साइज ठीक साइज है, मीडियम साइज की कह सकते हैं, और सींग गोल है। और ये हमारे व्यापारी हमारी वीडियो में पहले भी कई बार देखे होंगे। तो बोल भाई, आगे देख है 17-18 किलो एक और। चलो ले चलियो, अभी कीमतें की करेंगे बाद में जानकारी। दूसरी झोटी भी दिखा देते हैं इनकी, इनकी झोटी हमें से एक से एक अच्छी झोटी लेकर आते हैं। और बहुत बेहतरीन, बहुत तारीफ करते हैं हमेशा। और पूरे लोग क्या मचाते हैं व्यापारी, तेल को देखेगा व्यापारियों की पहचान, कितने तगड़ा तेल चिपट रखा है दही पे, तेल में नवा रखी है भैंस पूरी। क्योंकि हम मौसम भी आ गया है, गर्मी का मौसम आ रहा है तो अभी तो तेल वेल लगाएंगे, कोई परेशानी नहीं है भैंसों को। अब बातचीत करते हैं भाई, ऐसे कीमतें क्या जी? जी भाई, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। क्या नाम है? शमशाद नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? हिरदेवपुर हापुड़ के पास। हापुड़ के पास से आए हो जी। कितनी भैंस ला रखी हैं? 3 ला रखी जी। 3 ला रखी हैं। ये जो यो वाली घुमा के दिखा रहे थे पहले, ये कब की ब्याई है भैया? 4 दिन की ब्याई है। दूध 12 किलो 6 बढ़ाएगा घर में। 12 किलो 6 डाल रहा जी। तो दूध कितना बना निकाल देगी? अंदाज 17 किलो निकाल देगी। इतना
और क्या कीमत का रखी हुई है इसकी? 1.15 जी। 1.15 है तो फिक्स है, कुछ कम हो गए ना? कुछ डिस्काउंट कर देंगे, इस बात ना कर दोगे? कितना कम हो जाएंगे? 2-4 डिस्काउंट कर देंगे। ये 15 के 15 ही जाओगे? ना ना, 10 के दे देंगे। हैं? 1-10 ही दे देंगे। 1-10 के दे दोगे जी? और जो पैसे लेके बैठ गए गिंडे तो 1-5 पे भी आ जाओगे? ना ना, 1-5 ही मारेंगे। ना ना, मुँह पे तो आ रहा है 1-5, क्या क्या गुना देते नहीं देने के भाई? नहीं देने का? देखेगा जैसे 1-5 की क्या लगे तो दूसरे बैठे दूर दूर व्यापारी भी तिल मिला पड़े, क्योंकि हम कम पैसे कर देते हैं तो एकदम तिल मिला। बड़े गुरु यही है? हाँ। उनकी मर्जी से जाओगी भैंस? इनकी मर्जी का देना की मर्जी हमारी चलेगी? मर्जी से चलेगी तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा, चलेगी मर्जी हमारी। और ये जो दूसरी झोटी घुमा के दिखाई है भाई ने, अभी झोटी दूसरे पे आई है। ये कब की ब्याई है? ये होगी 7 दिन की भाई। ये 7 दिन की ब्याई है। दूध 13 किलो है भाई। 13 किलो निकालने का ये बाजार वाला? अब निकाल ले। अभी अरे इतने दाम में इसका जत्थर दिखी ना रहा, कहाँ से चो देगी? झोटी भाई हो भैंस कोई? हाँ झोटी हो, ठोस है जब ठुकी हुई है? पक्के बात के बढ़िया। अच्छा, तो इसकी कितनी कीमत है? इसके 1.25। इसके 1.25 है जी। तो इसमें कितने कम होंगे? 5 कम कर देंगे। इसमें 5 कम हो जाएंगे। अच्छा, जैसे सुबह से ला रखी है, अभी लगी कुछ कीमत? हाँ जी लगी कुछ कीमत? लग रहे हैं 1-10, 1-12 लग रहे हैं। 1-10-12 लग रहे हैं जी। तो इतने की ना देनी? ना, आज मोटा नफा कमा के जाना। घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा ना, घाटा हर वीडियो में मुझे ऐसे ही बताया करो तुम, घाटा हो रहा नफा भी बता दे करो, बाजार में नफा मोटा मोटा कमा ले जा रहे हैं। अच्छा, नफे की मारी आयो? नहीं, नफा होना चाहिए, होगा नफा, नफे का मारा है भाई साहब। चलो ठीक है भैया जी, ठीक है। एक और भैंस दिखा रहा है, बिल्कुल अभी ताजी भी आई हुई भैंस बाजार में। एक बार चलेगी भैया से परे को, थोड़ी सी ले चलिए, थोड़ी सी पानी पी रही है। देखेगा मुसक से पानी पी आ रहे हैं बाजार के अंदर, चले से पानी पी आ रहे हैं। देखा बिल्कुल ताजी भी आई हुई भैंस भाई, पानी पी रहे भाई, पानी पी रहे मालिक जो है। इस समय मौके पर नहीं, कहीं पैसे वैसे गिनने हैं तो हमें कोई ज़रूरी नहीं चाहिए एक के पीछे खड़े रहें। बिल्कुल ताजी भी भैंस, सब तरह की भैंस रहती है बाजार के अंदर। एक से एक अच्छी भैंस आई हुई है, और दिखा रहे हैं कुछ। बिल्कुल अभी अभी आई है भैंस, इस साइड में खड़ी हैं अच्छी अच्छी भारी जड़ वाली भैंस। ये जो है व्यापारी ज्ञापन भैंस ले आते हैं और बाजार के अंदर भी आ जाती हैं। देखिएगा जेल गिर रही है मौके पर, जेल गिर रही है जो कुछ जड़ है, ये असली ओरिजिनल जड़ होती है उनकी बेहते हुए टाइम की, इस तरह से। एक और ये बिल्कुल अभी भी आई हुई भैंस है। एक और दिखा रहे हैं, थोड़ी सी कबरा पड़ा है भैंस पे। भैंस की जड़ जो है बहुत अच्छी ठोस ठूकी हुई जड़ है, और रंग जो है लोया रंग है, और पूरे शौक से लेकर आए हैं व्यापारी। ले घुमा लो घुमा, जड़ जो है भैंसों की इनकी बहुत बेहतरीन है। आगे का थन दिखाते, कुछ हमें डाउट लग रहा है कि थन पास के और आगे को हमें थन छोटा लग रहा था, लेकिन ये जो है पावस में है अग टाइट। बस भैया बांध दे बच्चे में, बांध इसे इस वाली को खोल, बीच वाली को। जैसे मौके पे वीडियो बना रहे हैं, मौके पे इनकी भैंस बिकी भी गई और पास होने लग रही है, बिना जल जेर के रही। व्यापारी भाइयों ने खरीद लिया और पास कर रहे हैं। भाई साहब दूध बहुत देव है, बाजार में ढूंढोगे सारी भाई को। खोलिए से बीच वाली को, मौके पे पास हो रही है भैंस। क्या हाल है भैया? मौका क्या कॉलेज? बढ़िया जी। क्या क्या नाम है? आमिर, आमिर मलिक। कहाँ के रहने वाले? हम सलावे के। सलावा, सलावे के। ये जो भैंस घुमा के दिखाई है कौन से ब्याह के भैया? ये तीसरा है। तीसरा है, और कितने दिन की ब्याह हो रही है? ये हो रही है 15 दिन की। 15 दिन की ब्याह। अब कितना दूध है इसमें? अब 16 किलो पाड़ है। 16 किलो बाजार वाला? हाँ जी। मगर बाजार वाला काटने वाला? काटने वाला नफ्ती का? हाँ नफ्ती का। मगर कभी बाजार वाला ही बाजार में 20 किलो जरूर हो जाए सबका। इसमें नफ्ती का है? नफ्ती का 16 किलो। और क्या कीमत मांग रखी है इसके? 128। 128 तो ये फिक्स है, कम भी होंगे? कर देंगे कोई आएगा 1000-2000 की। 1000-2000 का खेल थोड़ी है, खेल तो जितना उतना ही बता दो। ज्यादा नहीं है। सुबह से मंगी अभी कुछ? हाँ मंगी। कितने मंगी? उन्होंने बताने के ग्राहक खड़े हैं, तो रहे देखेगा इस साइड में कुछ ग्राहक भी खड़े हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, तो इसलिए नहीं बता रहे। तो इसमें कुछ गुंजाइश है और कुछ के? गुंजाइश बस, छोटे सौदा बता रखा है। तो यू एक ही लेकर आए थे और भी है? दो लाए थे, एक बिकी तो दूसरे में कमा लिया ना पा।
हाँ नफे के तो अलग ही चमक आ जा, कमा दिया 20-30 हजार, इतना इतना मोटा नहीं होता। देखेगा कुछ व्यापारी भाई है इस तरह यहाँ तारा ही बिगड़े। चलो ठीक है भैया, देखेगा जैसे बिल्कुल अभी जेर भी नहीं गिरी है, भैंस अभी बियाई हुई है। और ये जो भैंस है इन व्यापारी भाइयों की, तीनों भैंस एक अभी एक बियाई हुई है और ये अभी जेर डालने लग रही है, अभी बियाई है और एक मौके पर ये रही जेर बियाई हुई। तीनों के आज तो बड़ा मुनाफा कमा रहा है, हम भी सुनते रहे भाई। चलो जी देख लो, ठीक भी लगे बढ़िया यार तेरे मार तो गाजी बात तो सुन के थी तो। भैंस जो बच्चे को छोड़ के नहीं आ रहे, बच्चे का हेरवा कर रही है और बाजार में के अंदर जो भैंस बच्चे का हेरवा करती है वो ही जल्दी बेचती है। और जगह का जो भैंस दिखा रहे हैं कितनी बड़ी जड़ बना रही है, बहुत ही बढ़िया जड़ बना रखी है। और वैसे भी भैंस अच्छी भैंस है, दूध वाली भैंस है, ले आओ भैया मोड़ लाओ। और सिर सिंगार से बेहतरीन छोटे सिंगार वाली है। इस भाई की जो तीन भैंस ले रहा है, तीनों भैंस बहुत ही बढ़िया वाली भैंसों में है। अभी बातचीत करेंगे इनकी कीमतों की। देखिएगा ये भाई भैंस, इस भाई के भाई रोजे से था, मुंह ढक रखा था, लेकिन हमारे कहने पे भाई ने मुंह गाड़ लिया है। रोजे में परेशान ज़्यादा नहीं करते, ना ज़्यादा हम बातचीत करेंगे। अच्छा ये जो भैया बड़ी जड़ वाली भैंस है जी, ये कौन से ब्याह की है? तीसरे ब्याह की। और कहाँ के रहने वाले तुम? जी सोनजत के। सोनजत के। अच्छा कितने दिन की ब्याह हुई है वो भाई? ये कल शाम ब्याह है। कल शाम ही ब्याह है। इसकी क्या कीमत का रखी है? इसके 1,40,000। 1,40,000 है तो इसमें कुछ गुंजाइश है? फिक्स है, 5,000 रुपये कम। 5,000 कम है, ठीक है भैया। और ये जो अभी जेर डालने लग रही है, ये कौन से ब्याह की है भैया? ये दूसरे में जी। ये दूसरे ब्याह की है। अच्छा जी, खरीद के लाए हो, मालिक कितने दूध की बता रहा था इसे? मालिक बता दे 14-15 किलो दूध। 14-15 किलो दे देगी, दे देगी है भैंस। हमें तो लग रहा है और फालतू भी दे सके। अच्छा इसकी कितने कीमत है? 1,35 है इसकी। और ये जो मौके पे जेर डालने लग रही है सिंग टूटी जी, ये कौन से ब्याह की? आठवें में जी। 8 बार ब्याली जी। देखेगा भाई 8 बार ब्याह भी बता रहे हैं। और वैसे वो कोई भी व्यापारी भाई होता तो तीसरे चौथे ही बताता। तो इसकी क्या कीमत का रखी है? इसके 95,000 रुपये। इसके 95,000 है, तो ये 95 फिक्स है, कुछ कम हो जाएंगे? 90 के दे जाओगे। अभी जैसे भाई पास कर रहे थे, हम दिखा रहे थे, तो ये उनसे बात ना बनी, सुधा ना हुआ? बात बनी नहीं, पैसे उधार कर रहे थे। अरे पैसे उधार कर रहे थे, और नहीं तो चली जाती। चलो ठीक है भैया। देखेगा कुछ व्यापारी भाई जो है मस्ती कर रहे हैं। वैसे ये जो भैंस दिखाई है, इस भाई की भैंस जो है बिल्कुल अच्छे वाली भैंस है, अच्छे वाली भैंस है। और कीमत ज़्यादा हम नहीं करें, क्योंकि ये रोजे से रोजे वाले भाइयों को हम ज़्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि खुशकी बहुत आती है। एक से एक अच्छी भैंस आई है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।